हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। इस वीडियो में हम लोग उत्कल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है उसका एडमिट कार्ड निकल चुका है, यानी हॉल टिकट रिलीज हो चुका है। कैसे आपको डाउनलोड करना है उत्कल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन का हॉल टिकट, वो बताने वाला हूँ मैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, बिकॉज मैं स्टेप बाय स्टेप जाने वाला हूँ कि कैसे आप उत्कल यूनिवर्सिटी का एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक पाइपलाइन है। पहले हम सर्च करेंगे, एक वेबसाइट पे जाएंगे, उस वेबसाइट पे हमें लिंक मिलेगा, एंड देन वे उस लिंक को हम ओपन करेंगे एंड देयर वी विल डाउनलोड द एडमिट कार्ड। दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क। ओके, सो बिफोर दैट यू आर रिक्वेस्टेड टू मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, बिकॉज ये चैनल एक एक्सक्लूसिव चैनल बनाया गया है उत्कल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। देखिए, बात आज की नहीं है, बात है अगले कुछ सालों की, जब तक आप पढ़ाई करेंगे। तो जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, वाइवास होंगे, आपके इंटर्नशिप्स होती हैं, आपके प्लेसमेंट्स होती हैं, आपके कल्चरल इवेंट्स होते हैं, आपके टेक्निकल इवेंट्स होते हैं, आपके कल्चरल फेस्ट होते हैं, आपके टेक्निकल फेस्ट होते हैं, आपके कॉलेज में नए डीन कौन है, प्रोफेसर कौन है, गवर्नमेंट की क्या गाइडलाइंस है, हाउ यू कैन अवेल द स्कॉलरशिप, किस तरह से स्कॉलरशिप लेके आप फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर मिलती है। तो डेफिनेटली आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब कैसे चेक करना है ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सही तरीके से चेक करेंगे सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, गलत तरीके से चेक करेंगे गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आपको सही तरीके से चेक करके सही इन्फॉर्मेशन पा के सही तरीके से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, यही आपका मकसद है। तो उससे पहले बता दूँ कि सही तरीका यही है कि आपको वही करना है जो मैं कह रहा हूँ। आपको क्या करना है, किसी भी ब्राउज़र में google.com ओपन करना है, वहाँ पे आपको लिखना है उत्कल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2020, और उसके आगे आपको लिखना है IAS पेपर। IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ उत्कल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आती है। तो एग्जैक्टली आप IAS पेपर लिखेंगे ही लिखेंगे, नहीं तो सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेंगे। तो इसे सर्च करेंगे आप, जैसे ही आप इसे सर्च करेंगे नए टैब में जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्कल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2020 और यहाँ पे लिखा हुआ है IAS पेपर। एग्जैक्टली यही चीज़ चाहिए थी, ये चीज़ मिल चुकी है। इस पर आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे नए टैब में जाएंगे। ऑलराइट, आ चुके हैं आप। मैं इस पेज को जूम कर देता हूँ 150%। यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्कल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2020 एडमिट कार्ड रिलीज्ड, यानी जो उत्कल यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है उसका एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है, यानी निकल चुका है। उत्कल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है कब होगा वही बताऊंगा। उत्कल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट का एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है 24 सितंबर को। किसके लिए? पीजी कोर्सेज के लिए। उससे पहले बता दूं कि जो सामने आपके फॉर्म है, आप इस फॉर्म को ज़रूर भर दीजिए, अपना फुल नाम, आपका ईमेल आईडी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर यानी आपका मोबाइल नंबर, आप कौन से स्टेट से हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं उड़ीसा का हूँ तो उड़ीसा पर क्लिक करूँगा, आप कहीं और के हो सकते हैं, उड़ीसा के कहाँ के हैं तो मैं उड़ीसा के कर सकता हूँ। अगर आप किसी ग्रामीण क्षेत्र के हैं, गाँव के हैं, तो भी आपको अपने नज़दीकी शहर या फिर अपने ज़िले का नाम यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप मेरी बात करें तो मैं ग्रामीण क्षेत्र में रहता हूँ, गांव में रहता हूँ, शहर से काफ़ी दूर है, दुर्गम इलाका है, बिजली पानी सुख सुविधाओं का, इंटरनेट का, इलेक्ट्रिसिटी का, इन सारी चीज़ों का बहुत अभाव है। इतनी सारी परेशानियाँ होने के बावजूद भी कोशिश करता हूँ कि उत्कल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हों आप तक पहुँचा सकूँ। कौन से कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं, तो यहाँ पे आप इंटरेस्टेड हैं डेफिनेटली किसी भी कोर्स में, तो आप यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं एमटेक कर देता हूँ। यहाँ पे एमटेक कर दिया है मैंने, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन लिख के गेट फ्री काउंसलिंग पर क्लिक करना। उसके बाद क्या होगा, उत्कल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगी, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, आपको ईमेल और एसएमएस के जरिए फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलती रहेंगी। और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़, अलग अलग कॉलेजेस, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से आपको ऑफर्स आते रहेंगे कि आप चाहें तो उनके पास एडमिशन ले सकते हैं। तो ये गेट फ्री काउंसलिंग पे आपको क्लिक करना, जिससे अलग अलग जगहों से आपको ऑफर्स आना शुरू हो जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो उत्कल यूनिवर्सिटी का पीजी प्रोग्राम के लिए एडमिट कार्ड निकल चुका है। यहाँ पे देख सकते हो उत्कल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट नोटिफिकेशन 2020। ओके, तो यहाँ पे मैंने पहले बनाया था पीजी के लिए एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हुआ था, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बनाई थी, वीडियोज़ बनाए थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देखा था सारी इन्फॉर्मेशन A to Z हर बताई थी। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो उत्कल यूनिवर्सिटी का एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है, क्लिक हियर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड। उससे पहले गुड न्यूज़ आपको बता दूँ कि देश के टॉप 8 यूनिवर्सिटीज़ में फुल फ्लो में एडमिशन शुरू हैं, जिसमें बेनेट यूनिवर्सिटी, मानव रचना यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी, सेंट एंड्रयूज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट और GD गोयनका। इन सारे यूनिवर्सिटीज़ में फुल फ्लो में एडमिशन शुरू है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ आप यहाँ पे एडमिशन लें आज के आज, क्योंकि रीज़न है 500% प्लेसमेंट रेट, क्वालिटी एजुकेशन, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, प्रैक्टिकल लर्निंग और इंटरनेशनल एक्सपोजर। एग्जाम्पल के तौर पर आप किसी रीजनल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, कहाँ के बच्चे आएंगे, कॉलेज के नज़दीक वाले बच्चे आएंगे और कोई आए नहीं आएंगे। इन यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, यहाँ पे पूरे देश के बच्चे आते हैं, हमारे देश के हर स्टेट से आते हैं, हर यूनियन टेरिटरी से आते हैं। उतना ही नहीं,
दूसरे देशों से ही बच्चे आते हैं हमें पढ़ने के लिए। तो जब आप उनके साथ पढ़ते हैं, बातें करते हैं, रहते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, तो आपका कल्चरल एक्सचेंज होता है, टैलेंट एक्सचेंज होता है, नॉलेज एक्सचेंज होता है, माइंडसेट एक्सचेंज होता है, लैंग्वेज एक्सचेंज होता है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसे ओपन करके किसी न किसी एक में आपको एडमिशन लेना चाहिए। अगर मैं आपकी जगह होता तो डेफिनेटली लेगा। यहाँ पे देख सकते हैं एडमिट कार्ड जो है रिलीज हो चुका है, क्लिक हियर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे नेट ऐप में जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं उत्कल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एडमिट कार्ड रिलीज, यानी एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है। सारी इन्फॉर्मेशन एडमिट कार्ड से रिलेटेड यहाँ पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पे एडमिट कार्ड जो है पीजी कोर्सेज के लिए निकल चुका है यहाँ पे, और एडमिट कार्ड जो है वो एमबीए एग्री बिजनेस का पहले ही निकला था। यहाँ पे एडमिट कार्ड के बारे में है, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, एग्जामिनेशन की डेट्स हैं। यहाँ पे उत्कल यूनिवर्सिटी के एडमिट कार्ड पर आपका नाम, आपका रोल नंबर, आपके फादर का नाम, मदर का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, एग्जामिनेशन का डेट, टाइम, वेन्यू, एड्रेस, ये सारी चीज़ें रहेंगी। एग्जामिनेशन के एड्रेस भी रहे, इंस्ट्रक्शंस भी रहेंगे। अगर आपने ये फॉर्म भर दिया लास्ट टाइम, जस्ट सिंपली कट इट, अगर नहीं भरे तो इंस्टेंटली भर दीजिए। यहाँ पे एडमिट कार्ड के साथ आपको फोटो आईडी प्रूफ लेके जाना पड़ेगा, जैसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ ना कुछ आपको लेके जाना पड़ेगा जो काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार स्टूडेंट्स नहीं लेके जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, आपको लेके ही जाना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे कोई ना कोई आईडी प्रूफ लेके जाना है। तो जैसे आप यहाँ पे देखेंगे क्लिक हियर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे नेट ऐप में जाएंगे। ऑल राइट, मैं जूम कर देता हूँ 150%। यहाँ लिखा है प्लीज अपलोड योर फोटो एंड सिग्नेचर बाई लॉग इन इन टू योर प्रोफाइल बिफोर डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड। ओके, तो आपको अपना फोटो और जो है सिग्नेचर अपलोड करना है, तब आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे अपने एप्लीकेशन नंबर लिख देना है, एप्लीकेशन नंबर लिखने के बाद यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपके सामने होगा। काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अगर कोई डाउट है डेफिनेटली आप कमेंट करें, और उम्मीद है इस वीडियो ने आपके सारे क्वेरीज को क्लियर किया रहेगा। ऐसी ही वीडियोज़ अगर आपको फ्यूचर में भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।